सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं विजय बाजिया, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। देखो बच्चों, हमें कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के छठवें लेसन की चर्चा कर रहे थे। छठवें लेसन लगभग अपना छठवां लेसन समाप्ति की ओर है। आज के वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले तीन वीडियो में अपन चर्चा कर चुके हैं, आज इस लेसन का चौथा और लास्ट वीडियो है। आज अपन चर्चा करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के संगठन व क्षेत्राधिकार का वर्णन करो। तो दो चीजें प्रश्न में अपने से पूछी गई है। एक तो क्या, सर्वोच्च न्यायालय के संगठन का वर्णन करना है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, मतलब उसके क्षेत्राधिकार में कौन कौन से कार्य आते हैं। तो क्षेत्राधिकार कह दो चाहे शक्तियां कह दो, एक ही बात है। चलो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके संगठन को लेकर। तो पहला तो है सर्वोच्च न्यायालय का संगठन और उसके बाद में होगा क्षेत्राधिकार। तो पहला क्या है, देखो सर्वोच्च न्यायालय के संगठन के 7 पॉइंट होंगे। कितने पॉइंट होंगे, 7 पॉइंट होंगे। और फिर इसकी शक्तियां या क्षेत्राधिकार के भी कितने पॉइंट होंगे, 7 पॉइंट होंगे। थोड़ा बड़ा प्रश्न जरूर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। चलो प्रारंभ करते हैं। संगठन में सबसे पहले अपन बात करेंगे न्यायाधीशों की संख्या, मतलब सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं। तो सुनना इसके बारे में, जब सर्वोच्च न्यायालय का निर्माण हुआ था, मतलब 28 फरवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का निर्माण किया गया था। उस समय सर्वोच्च न्यायालय में एक तो मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य न्यायाधीश थे। कुल मिलाकर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश कितने थे, 8। उसके बाद में जैसे जैसे सर्वोच्च न्यायालय का कार्यभार बढ़ता गया, देखो जनसंख्या बढ़ेगी तो सर्वोच्च न्यायालय का काम भी बढ़ेगा। अब काम बढ़ेगा तो भाई न्यायाधीशों की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी। न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास होता है। तो जैसे जैसे कार्यभार बढ़ता गया, संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भी बढ़ा दी। 2008 में संसद ने न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर, देखो मुख्य न्यायाधीश तो हमेशा एक ही रहेगा, अन्य न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर कितने कर दी, 30 कर दी। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश कितने हो गए, 31। समझ के बाद, जस्ट पिछले साल 2019 में, 2019 में और न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा दी। एक तो मुख्य न्यायाधीश रहेगा ही, अन्य न्यायाधीश कितने कर दिए, 33। कुल मिलाकर न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई, 34। तो ये अपने को न्यायाधीशों की संख्या में उल्लेख करना है। देखो बीच वाला उल्लेख करना अपने लिए आवश्यक नहीं था लेकिन अपनी पुस्तक में सिर्फ यहीं तक दे रखा है। और ये हाल ही में थोड़ा करंट का मामला जुड़ गया, इसमें तो अपने को ये भी याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न आए तो ये संख्या भी अपने को लिखनी पड़ेगी। अब देखो इसको कैसे लिखना है, अपने को लिखते हैं इसमें, इसको आप इसका आंसर इस तरीके से लिखना, न्यायाधीशों की संख्या लिखेंगे तो प्रारंभ में, प्रारंभ में डैश करके लिखना, एक मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीश कितने, 7। तो 7 अन्य न्यायाधीश हो गए, बराबर करके लिख देना कितने हो गए, 8। कुल कितने हो गए, 8 न्यायाधीश। 2008 में संख्या बढ़ाकर, देखो मुख्य न्यायाधीश तो हमेशा एक ही रहेगा, तो एक मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी, 30। 30 अन्य न्यायाधीश हो गए, तो इस प्रकार कुल कितने न्यायाधीश हो गए, 31। समझ गए। फिर लास्ट में लिखेंगे पर वर्तमान में, वर्तमान में कर देना चाहे तो 2019 में कर देना, क्योंकि 2019 के बाद में कोई संख्या नहीं बढ़ी है। मुख्य न्यायाधीश तो एक ही रहेगा, तो 2019 में एक मुख्य न्यायाधीश हो गया, अन्य न्यायाधीशों की संख्या 3 बढ़ा दी, तो 30 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 33। 33 अन्य न्यायाधीश हो गए, कुल मिलाकर न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई, 34। ये उल्लेख करना आपको न्यायाधीशों की संख्या में, समझ गए। दूसरा पॉइंट अपन बात करेंगे नियुक्ति की, भाई सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो दूसरा पॉइंट देखना,
नियुक्ति है। तो देखो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति द्वारा। मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन यहां ध्यान ये रखना कि राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी से किसी को भी न्यायाधीश नहीं बना सकता। एक मंडल आता है जिसे हम कहते हैं कोलेजियम मंडल। कोलेजियम मंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो राष्ट्रपति नियुक्ति तो करता है लेकिन किसकी सिफारिश पर? कोलेजियम मंडल की सिफारिश पर। फिर हमें यह ध्यान रखना है कि ये कोलेजियम मंडल कौन सा होता है, किसे कहते हैं कोलेजियम मंडल? तो पांच न्यायाधीशों के समूह को क्या कहते हैं? कोलेजियम मंडल कहते हैं। पांच न्यायाधीश कौन से होते हैं? एक तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, समझ गए बात? जैसे सर्वोच्च न्यायालय में टोटल वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं? 34 हैं। तो एक मुख्य न्यायाधीश के बाद में कितने बचे? 33। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाख तक 33 तक न्यायाधीश हैं। ये जो चार सीनियर न्यायाधीश हैं, चार वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, चार तो वरिष्ठ न्यायाधीश हो गए, एक मुख्य न्यायाधीश हो गया, टोटल मिलाकर चार और एक कितने हो गए? पांच। इन पांच न्यायाधीशों के समूह को क्या कहते हैं? कोलेजियम मंडल कहते हैं। इस कोलेजियम मंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। चलो लिखते हैं इसको अपनी भाषा शैली में। इसमें लिखना आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। किसकी सलाह पर? कोलेजियम मंडल। राष्ट्रपति द्वारा कोलेजियम मंडल की सिफारिश पर की जाती है। सिफारिश पर की जाती है। फिर आप ये भी बताओगे कि भाई इस कोलेजियम मंडल में कौन शामिल होता है, तो इसी के आगे लिखते जाना कोलेजियम मंडल में कुल पांच न्यायाधीश होते हैं। कुल पांच न्यायाधीश होते हैं। डैश करके लिख देना कौन? सर्वोच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश व चार अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश। वरिष्ठ कह दो चाहे सीनियर कह दो, एक ही बात है। तो सर्वोच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश हो गया, चार अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश हो गए, टोटल मिलाकर कितने हो गए? पांच न्यायाधीश हो गए। पांच न्यायाधीशों के समूह को क्या कहते हैं? कोलेजियम मंडल कहते हैं। इस कोलेजियम मंडल की सिफारिश पर किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। यह संगठन का दूसरा पॉइंट हो गया क्या? नियुक्ति। तीसरा अपन चर्चा करेंगे योग्यताओं को लेकर कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो संगठन में तीसरा पॉइंट क्या होगा? योग्यता। देखो दो योग्यताएं रखी गई हैं सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए। कितनी योग्यताएं? दो योग्यताएं रखी गई हैं। पहला तो सिंपल सा, जो लगभग हर विषय वस्तु में, हर जहां भी अपनी योग्यताओं की बात करते हैं पहला पॉइंट वही लिखते हैं, कौन सा? कहां का नागरिक हो? भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो, समझ गए पहली योग्यता। अब एक बार योग्यता दूसरी देखना, उसके बाद में समझा दूंगा आपको इसको। दूसरी है भारत के किसी उच्च न्यायालय में, किसी उच्च न्यायालय में कम से कम पांच वर्ष तक
न्यायाधीश रह चुका हो, 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, समझ के बात। एक लाइन में आप लिखोगे या कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता। अधिवक्ता कहते हैं हम एडवोकेट को, हिंदी में कह सकते हैं वकील। वकील कह दो चाहे अधिवक्ता कह दो, एक ही बात है। 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो या राष्ट्रपति की नजर में कानून का ज्ञाता हो, राष्ट्रपति की नजर में कानून का ज्ञाता हो। अब इसका मतलब समझते हैं अपन, क्यों? देखो पूछी जाए आपसे, भाई सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कितनी योग्यताएं होती हैं? 2 योग्यताएं होती हैं, पहला तो भारत का नागरिक हो, दूसरी योग्यता इन तीनों में से कोई सी एक होनी चाहिए। जैसे अपन इसको समझे, हम बात कर रहे हैं कौन से न्यायालय की? सर्वोच्च न्यायालय की, जो देश में एक है और सबसे बड़ा न्यायालय है। ये तो देश का एक न्यायालय हो गया। इसके अलावा प्रत्येक राज्य में कौन सा न्यायालय होता है? उच्च न्यायालय होता है। अब समझना, यदि कोई व्यक्ति 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो तो फिर वो किस न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो, ये लिखा है मैंने। भारत के किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, या फिर किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक क्या रह चुका हो? एडवोकेट मतलब वकील रह चुका हो। वकील को क्या बोलते हैं अपन? अधिवक्ता। या फिर राष्ट्रपति की नजर में कानून का ज्ञाता हो। इन तीनों में से कोई एक योग्यता होनी चाहिए और एक योग्यता होनी चाहिए भारत का नागरिक हो। तो ये क्या हो गई? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताएं। चौथा अपन बात करेंगे कार्यकाल की। चौथा पॉइंट है कार्यकाल या महाभियोग। अब देखना क्या मतलब हुआ। देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल रहता है सामान्यतः कितने वर्ष की आयु तक? 65 वर्ष की आयु तक। चाहे वो 50 साल का हो तब न्यायाधीश बनाओ, चाहे वो 55 साल का न्यायाधीश बनाओ, चाहे 60 साल का बनाओ, चाहे 64 साल का बनाओ, जब उसकी आयु कितने वर्ष की हो जाएगी? 65 वर्ष की हो जाएगी, तब तक वो सर्वोच्च न्यायालय में क्या रहेगा? न्यायाधीश रहेगा। तो सामान्यतः कार्यकाल कितना हो गया? 65 वर्ष की आयु तक। लेकिन यदि वो बीच में कोई गड़बड़ करता है, बीच में कोई अपने पद का दुरुपयोग करता है, कोई कदाचार करता है, कदाचार का मतलब होता है बुरा आचरण, तो यदि कोई न्यायाधीश कदाचार का दोषी पाया जाता है, किसका दोषी? ये वर्ड आपको याद रखना है, कदाचार मतलब बुरा आचरण, कदाचार का दोषी पाया जाता है। देखो बीच में बेटा, कई बार ये थोड़ी थोड़ी लाइट की समस्या आ रही है, तो कोई नहीं, अपने दिमाग को अपने सेंटर में रखना, लाइट के अथवा नॉर्मल अपनी व्यवस्था जैसी भी होती है वैसा कर रहे हैं अपन। तो दोबारा देखना इसको, कार्यकाल सामान्यतः 65 वर्ष, लेकिन यदि वो बीच में कोई कदाचार मतलब बुरे आचरण का दोषी पाया जाता है तो उसे 65 वर्ष की आयु होने से पहले भी पद से हटाया जा सकता है। पद से कौन हटाएगी उसे? संसद हटाएगी। कौन हटाएगी पद से? संसद हटाएगी। अब संसद का मतलब क्या मानते हैं अपन? दो सदन मानते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद पद से हटाएगी तो संसद का मतलब क्या हो गया? लोकसभा और राज्यसभा पद से हटाएगी। पद से कैसे हटाती है? अगर कोई न्यायाधीश है, उसने कोई बुरा आचरण कर लिया, कदाचार कर लिया, कदाचार का दोषी पाया गया, तो उसके खिलाफ या तो लोकसभा में प्रस्ताव पेश होगा या राज्यसभा में होगा। यदि उस प्रस्ताव को मतलब न्यायाधीश को पद से उठाने वाले प्रस्ताव को जिसे क्या कहते हैं अपन? महाभियोग प्रस्ताव।
उस प्रस्ताव को लोकसभा भी 2/3 बहुमत से पारित कर दे और राज्यसभा भी 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो उस न्यायाधीश को पद से हटा दिया जाता है। देखना इसको अपने को लिखेंगे कैसे, पद से हटाने की प्रक्रिया समझ गए। अगर कदाचार का दोषी पाया गया तो संसद उसे पद से हटा सकती है। संसद पद से कैसे हटाएगी, दोनों सदनों द्वारा कितने बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए, 2/3 बहुमत से। तो इसमें आपको लिखना है सबसे पहले तो कार्यकाल की बात, तो इसी में लिख देना आगे सामान्यतः सर्वोच्च न्यायालय, सामान्यतः सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल पैंसठ वर्ष की आयु तक होता है, लेकिन यदि कोई न्यायाधीश किसका दोषी पाया जाता है, कदाचार का दोषी पाया जाता है, तो संसद उसे पद से हटा सकती है। संसद क्या कर सकती है, पद से हटा सकती है। संसद के दोनों सदनों, अब पद से हटाना का प्रक्रिया क्या होगी, कैसे पद से हटाएंगे, संसद के दोनों सदन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दें तो न्यायाधीश पद से हट जाता है। तो इसी में आगे लिखना, संसद के दोनों सदनों द्वारा, दो बटा तीन बहुमत से प्रस्ताव पारित करके, किसी न्यायाधीश को, पद से हटाया जा सकता है, और पद से हटाने की ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, महाभियोग प्रक्रिया। लास्ट में लिख देना, पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं, महाभियोग कहते हैं। तो ये अपनी चर्चा हो गई किसको लेकर, कार्यकाल या महाभियोग को लेकर। कार्यकाल सामान्यतः 65 वर्ष, लेकिन अगर बीच में वो कदाचार या कोई बुरा आचरण करता है तो संसद उसे समय से पहले भी पद से हटा सकती है। कितने पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट हो गए। पांचवें पॉइंट की अपन चर्चा करेंगे वेतन को लेकर, कि भाई सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है। देखो सर्वोच्च न्यायालय में दो प्रकार के न्यायाधीश हो गए, एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है और बाकी होते हैं कौन से न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश। तो सबका वेतन तो समान नहीं हो सकता, किसका ज्यादा होगा, मुख्य न्यायाधीश का वेतन ज्यादा होगा। तो वेतन अपने को दो का बताना है, एक तो मुख्य न्यायाधीश का और फिर अन्य न्यायाधीशों का। देखो अपनी पुस्तक में जो बता रखा है ना, थोड़ा सा चेंज हो गया है। जैसे अपनी पुस्तक में बता रखा है मुख्य न्यायाधीश का तो कितना वेतन, 1,00,000, अन्य न्यायाधीशों का कितना वेतन है, 90,000। समझ गए बात। लेकिन अभी हाल ही में इन न्यायाधीशों का वेतन बढ़ा दिया गया है, मुख्य न्यायाधीश का वेतन तो कर दिया है 1,00,000 की बजाय बढ़ाकर कर दिया 2,80,000 रुपए। कितना कर दिया, 2,80,000 रुपए। अन्य न्यायाधीशों का कर दिया कितना, 2,50,000 रुपए। तो पता नहीं, कई बार ये भी होता है, अपन अलग ही लिखेंगे नए आंकड़े,
पुराने आंकड़े भी आप एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो लिख देना, क्योंकि कई बार कॉपी चेक करते वक्त भाई हो सकता है एग्जामिनर के दिमाग में पहले वाला वेतन बैठा हुआ हो, समझ रहे हो बात? तो अपन थोड़ा सा पहले वाला भी लिख देंगे। पहले वाला आप लिखो तो तुम्हारी मर्जी, वरना नया वेतन तो जरूर आपको लिखना है। नीचे लिख देना, अब पहले वाला याद हो तो लिख देना, वरना अपन अब वर्तमान वेतन लिख देते हैं। यहाँ वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना हो गया? 280,000 रुपए प्रति माह, साल का वेतन, ये एक महीने का वेतन है। अन्य न्यायाधीशों का 250,000 रुपए प्रति माह, ये क्या हो गया? इनका वेतन हो गया। तो पांचवें पॉइंट में केवल अपने को वेतन की चर्चा करनी है। छठवां पॉइंट जो अपनी पुस्तक में दे रखा है वो है न्यायालय का मुख्य स्थान। छठवां पॉइंट अपनी पुस्तक में क्या दे रखा है? न्यायालय का मुख्य स्थान, कि सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य स्थान है वो कौन सा है, कहां बना हुआ है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय, बिल्डिंग कहां बनी हुई है दिल्ली में। बस सिंपल सा डैश करके लिख देना, न्यायालय का मुख्य स्थान कौन सा है? दिल्ली। बस इतना ही लिखना है इसमें, क्योंकि भाई चर्चा है पढ़ के कौन इस पॉइंट में क्या कर रहे हैं कि भाई सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य स्थान कहां है? दिल्ली में। तो छह पॉइंट हो गए। लास्ट पॉइंट की अपन चर्चा करेंगे। लास्ट पॉइंट दे रखा आपके न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, कि भाई सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर क्या प्रतिबंध लगा हुआ है, न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। तो देखो इन पर प्रतिबंध ये लगा हुआ है कि भाई कोई भी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है और वो रिटायरमेंट हो गया, मतलब सेवानिवृत्ति हो गई उसकी, सेवानिवृत्ति के बाद वह भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, ये क्या लगा हुआ है? इन पर प्रतिबंध लगा हुआ है, क्योंकि ये उनके उनको क्या होता है कि भाई ये प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है कि ये उनको शोभा नहीं देता, भारत के सबसे बड़े न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है, जज रह चुका है, जो निर्णय सुनाने वाला रह चुका है, और उसके बाद में रिटायरमेंट के बाद में वो वकालत करे तो उसके पद के खिलाफ माना जाता है, इसलिए उनकी वकालत करने पर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इसमें अपने को ये लिखना है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद, सेवानिवृत्ति का मतलब समझ गए, रिटायरमेंट के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते? वकालत नहीं कर सकते। ये अपने सर्वोच्च न्यायालय के संगठन को लेकर चर्चा कंप्लीट। क्वेश्चन में दो बातें पूछी गई थी अपने से, क्वेश्चन क्या था? सर्वोच्च न्यायालय के संगठन व क्षेत्राधिकार का वर्णन करो। तो अपन ने सात पॉइंटों को लेकर चर्चा की है, वो सात पॉइंट किसके थे? सर्वोच्च न्यायालय के संगठन के थे। अब अपन चर्चा करेंगे सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार या शक्तियां। क्षेत्राधिकार कह दो चाहे शक्तियां कह दो, एक ही बात है। तो सर्वोच्च न्यायालय का अब अपन पॉइंट डालेंगे क्या? सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार या क्षेत्राधिकार को क्या कहते हैं अपन? शक्तियां। तो देखो शक्तियों की अपन चर्चा करें, कौन कौन सी शक्तियां हैं सर्वोच्च न्यायालय के पास। पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, कौन सा क्षेत्राधिकार है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। पहला क्षेत्राधिकार तो कौन सा लिखोगे? प्रारंभिक। अब देखो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के भी दो भाग हैं, इसमें अपन ए और बी पॉइंट डाल के लिख लेंगे। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में ए नंबर का या पहला पॉइंट तो लिखेंगे अपन, प्रारंभिक
प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, दूसरा लिखेंगे अपन प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। अब दोनों में अंतर समझना, दोनों का मतलब समझना। देखो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इसमें वो मामले आते हैं जिनकी सुनवाई केवल और केवल डायरेक्ट कहां होती है, सर्वोच्च न्यायालय में। चलो नहीं समझ में आया तो दोबारा सुनना, इसमें तो अपने को कुछ लिखना है नहीं, एडिंग डालिए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। फिर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के हो गए, प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। फिर इसका अपने को वर्णन करना है पहले, तो प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार में वे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। एक बार लिखो उसके बाद में देखो और इसका अर्थ समझ में आएगा तुम्हारे। इसमें वे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय में होती है, जिनकी सुनवाई केवल कहां होती है, सर्वोच्च न्यायालय में होती है। समझ गए बात। अब देखो दो प्रमुख न्यायालय प्रत्येक राज्य में, तो कौन सा उच्च न्यायालय, पूरा देश में सबसे बड़ा या केवल एक न्यायालय होता है वो कौन सा होता है, सर्वोच्च न्यायालय। तो वे मामले जिनकी सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय में होगी वो तो किसमें आएगा, प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार में। वे मामले जिनकी सुनवाई डायरेक्ट उच्च न्यायालय में भी हो सकती है और सर्वोच्च न्यायालय में भी हो सकती है वो आएगा किसमें, प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार में। एक बार लिखते हैं फिर दोबारा और इसको मैं आपको क्लियर करूंगा। तो इसमें लिखते हैं पहले, इसमें वे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई सीधे मतलब डायरेक्ट, सीधे डायरेक्ट कहां हो सकती है, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों में हो सकती है। अब उदाहरण सुनना, उदाहरण से आप समझ पाओगे। जैसे आप खुद सोचो, कोई भी दो राज्य हैं, जैसे एक अपना राजस्थान राज्य, एक अपना पड़ोसी अपन ले लेते हैं पंजाब राज्य। राजस्थान और पंजाब के बीच कोई विवाद हो गया, किस किस राज्य के बीच, राजस्थान राज्य और पंजाब राज्य के बीच कोई विवाद हो गया, अब उस विवाद की सुनवाई किस न्यायालय में होगी, उच्च न्यायालय में तो हो नहीं सकती, क्योंकि राजस्थान उच्च न्यायालय में अगर सुनवाई होगी तो राजस्थान उच्च न्यायालय तो किसके पक्ष में फैसला दे देगा, राजस्थान के पक्ष में फैसला दे देगा, और पंजाब उच्च न्यायालय सुनवाई करेगा तो पंजाब के पक्ष में फैसला दे देगा। इसलिए दो राज्यों के बीच यदि कोई विवाद हो गया तो उसकी सुनवाई केवल कहां होगी, सर्वोच्च न्यायालय में होगी, और ऐसे मामले किसमें आएंगे, प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। अब पढ़ना इसको, इसमें वे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय में होती है, जैसे दो राज्यों के बीच विवाद, जैसे दो राज्यों के मध्य विवाद, या फिर अपन बात करें अगर दो राज्यों के बीच विवाद नहीं है, अपन एक उदाहरण और ले सकते हैं, जैसे राजस्थान राज्य और भारत सरकार, भारत सरकार और राजस्थान सरकार के बीच कोई विवाद हो तो भाई भारत सरकार के मामले की सुनवाई कोई सा राज्य का उच्च न्यायालय तो कर नहीं सकता, भारत सरकार का मामला है तो उसकी सुनवाई केवल कहां होगी, सर्वोच्च न्यायालय में होगी, केवल सर्वोच्च न्यायालय में होगी, इसका मतलब कौन सा क्षेत्राधिकार हो गया, प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। तो उदाहरण में एक अपन ये भी लिख सकते हैं, भारत सरकार
वह राज्य सरकार के मध्य विवाद। अब पढ़ना शायद मुझे जहां तक लगता है आप समझ जाओगे इसको। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के दो प्रकार लिखे थे, प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, इसमें वे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय में होती है, जैसे दो राज्यों के मध्य विवाद, भारत सरकार व राज्य सरकार के मध्य विवाद। समझ गए। प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार में वे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई सीधे उच्च न्यायालय में भी हो सकती है, सर्वोच्च न्यायालय में भी हो सकती है। इसमें आते हैं कौन से मामले? मूल अधिकार से संबंधित मामले, जैसे हमारे मूल अधिकारों का जैसे उल्लंघन हो रहा है। भारतीय संविधान ने वर्तमान में हमें 6 मूल अधिकार दे रखे हैं। यदि किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए हम सीधे उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं, तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं। अब मूल अधिकारों को लेकर हम उच्च न्यायालय में भी सीधे जा सकते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय में भी सीधे जा सकते हैं। तो ये कौन सा क्षेत्राधिकार हुआ? प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। इसमें वे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों में हो सकती है, जैसे कौन से मामले? मूल अधिकारों से संबंधित मामले, मूल अधिकारों से संबंधित मामले। समझ गए। ये तो हो गया सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। समझ गए बात। पहला पॉइंट कंप्लीट, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अब सर्वोच्च न्यायालय की दूसरी शक्ति या दूसरे क्षेत्राधिकार की अपन बात करते हैं। आज इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, नोट्स अपनी कॉपी में पढ़ाते जाया करो। सर्वोच्च न्यायालय का जो दूसरा क्षेत्राधिकार आता है, दूसरी शक्ति आती है, वो आती है अपीलीय क्षेत्राधिकार। कौन सा क्षेत्राधिकार? अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब इसका मतलब समझना। बड़ा ही बड़ा न्यायालय तो कौन सा? सर्वोच्च न्यायालय। प्रत्येक राज्य में कौन सा न्यायालय? उच्च न्यायालय। जैसे हमारा कोई मामला गया कौन से न्यायालय के पास? उच्च न्यायालय के पास। उच्च न्यायालय ने निर्णय सुना दिया, लेकिन हम उच्च न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं है। यदि हम उच्च न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध हम कहां अपील करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेंगे। तो मामला किसके पास चला गया? सर्वोच्च न्यायालय के पास चला गया। सर्वोच्च न्यायालय का ये क्षेत्राधिकार कौन सा होगा? अपीलीय क्षेत्राधिकार। देखो नाम से ही पता चल रहा है, अपीलीय क्षेत्राधिकार मतलब उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील करने के बाद जो मामले जाते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा क्षेत्राधिकार? अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो इसमें देखना, इसमें लिखना आप, यदि उच्च न्यायालय जो प्रत्येक राज्य में होता है, उच्च न्यायालय के निर्णय, उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाती है, तो यह सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा क्षेत्राधिकार होगा? अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो यह सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार कहलाता है। अब थोड़ा सा और लिखना है इसमें आपको, यहां तक तो शायद समझ गए होंगे आप। अब ये जो अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है वो भी कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। जैसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के। वैसे अपीलीय क्षेत्राधिकार कितने प्रकार के? 4 प्रकार का। इसी में आगे लिखना आप, अपीलीय क्षेत्राधिकार चार प्रकार के हैं। चार प्रकार कौन कौन से? वैसे जहां पर लिखा था ना ए बी लिखा था प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में, यहां लिख देंगे ए बी सी डी। तो ए नंबर का तो हो गया
संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार, बी हो गया दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार, आप पूरा लिख देना, डैश डैश मत करना यहाँ। तीसरा हो गया फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार, और चौथा हो गया क्या, विशिष्ट अपीलीय क्षेत्राधिकार, विशिष्ट अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार कितने प्रकार का हो गया, चार प्रकार का हो गया। अगर संविधान की व्याख्या से संबंधित मामला होगा तो वो कौन सा होता है, संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार। दीवानी मामले होते हैं पैसों से संबंधित मामले, फौजदारी मामले होते हैं लूट हत्या चोरी डकैती इनसे संबंधित मामले, विशिष्ट मामलों में अन्य मामले आ जाते हैं। तो इनकी डिटेल लिखने की अपने को आवश्यकता नहीं है। अपीलीय क्षेत्राधिकार चार प्रकार के होते हैं, चारों के नाम आप लिख देना। तो सर्वोच्च न्यायालय की दो शक्तियों की अपन चर्चा कर चुके हैं। तीसरी शक्ति जो अपनी पुस्तक में दे रखी है वो है अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार। दो शक्तियां या दो क्षेत्राधिकार हो चुके हैं। तीसरा है अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार। वही बात है, अपीलीय क्षेत्राधिकार की तरह ही है लेकिन थोड़ा सा फर्क है। क्यों, कुछ मामलों में सर्वोच्च न्यायालय खुद ये व्यक्ति से कह देता है कि आप उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में, मतलब मेरे पास, अपीलें कर सकते हो। तो खुद ने आज्ञा दी है कि आप अपील कर सकते हो, तो ये सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा अधिकार हो गया, अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार। तो इसमें आप लिख देना सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध, क्योंकि अपील होगी तो केवल कौन से न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध होगी, उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध होगी, उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध, के विरुद्ध अपने यहां, अपने यहां मतलब खुद यहां की बात कर रहा है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय अपने यहां अपील करने की आज्ञा दे रहा है, अपने यहां अपील करने की आज्ञा दे सकता है, अपील करने की आज्ञा दे सकता है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय का तीसरा क्षेत्राधिकार क्या हो गया, अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार। आसान सा है, शायद समझ गए होंगे आप लोग। चौथा क्षेत्राधिकार है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। परामर्श का मतलब समझते हो, सलाह देने वाला। चौथा क्षेत्राधिकार कौन सा है, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। इसमें आपको एक अनुच्छेद भी याद रखना है, पहले तो समझना इसका मतलब क्या हुआ। देखो भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143। ये अनुच्छेद 143 क्या कहता है कि भाई राष्ट्रपति को कोई विषय, कानून से संबंधित कोई विषय, दोबारा सुनना, राष्ट्रपति अगर चाहे तो, अनुच्छेद 143 में क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति यदि चाहे तो किसी कानूनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। समझ गए बात, राष्ट्रपति किसी कानूनी मामले में किससे परामर्श ले सकता है, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अब आगे सुनना, अब सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो चाहे तो राष्ट्रपति को परामर्श दे, चाहे राष्ट्रपति को परामर्श देने से मना कर सकता है। समझ गए बात, फिर आगे और सुनना, यदि सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति को परामर्श दे दिया तो अब राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है कि चाहे तो वह सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को माने, चाहे वो परामर्श को मानने से मना कर सकता है। समझ गए बात, तो ये कौन सी शक्ति होगी, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। इसमें आप लोग लिखोगे
अनुच्छेद 143 के तहत, कौन से अनुच्छेद की बात है, 143, 143 के तहत राष्ट्रपति किसी कानूनी मामले में, क्योंकि कानून की ज्यादा जानकारी किसको होगी, न्यायपालिका को, किसी कानूनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, सर्वोच्च न्यायालय, अब राष्ट्रपति ने तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग लिया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है या परामर्श देने से मना कर सकता है, या परामर्श देने से मना कर सकता है। यहां तक अपना काम चल जाएगा। इसके आगे अगर आप लिखना चाहो तो तुम्हारी मर्जी, अगर याद रह जाए तो लिख देना। राष्ट्रपति की भी इच्छा पर निर्भर करता है कि राष्ट्रपति चाहे तो उस परामर्श को माने, चाहे उस परामर्श को मानने से मना कर सकता है। लिखना चाहो तो लिख देना, वरना अपना यह काम कंप्लीट। तो चार शक्तियां हो गई है। पांचवी शक्ति है अभिलेख न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की पांचवी शक्ति कौन सी है? अभिलेख न्यायालय। देखो, अभिलेख न्यायालय की शक्ति जो है ना सर्वोच्च न्यायालय को, वो है कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 129, 129 के तहत। तो एक अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय की शक्ति है। अभिलेख न्यायालय के दो अर्थ होते हैं, कौन कौन से भी देखते हैं। अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय की शक्ति है, अभिलेख न्यायालय की शक्ति है। इसी में आगे लिखना अभिलेख न्यायालय के दो अर्थ हैं। अभिलेख न्यायालय के कितने अर्थ हैं? दो अर्थ हैं। मतलब अभिलेख न्यायालय की शक्ति का मतलब क्या हो गया? पहला मतलब तो ये हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय नीचे के न्यायालयों के लिए कानून की तरह कार्य करेंगे। समझ के बात, सर्वोच्च न्यायालय तो बड़ा न्यायालय हो गया, अब उसके नीचे कई न्यायालय हो गए, जैसे प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होता है, उसके बाद में प्रत्येक जिले में जिला न्यायालय होता है, उसके नीचे तहसील न्यायालय होते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय तो बड़ा न्यायालय हो गया, अब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय नीचे के न्यायालयों के लिए कानून की तरह कार्य करते हैं। तो पहला अर्थ, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय नीचे के न्यायालयों के लिए, नीचे के न्यायालयों के लिए, किताब में ये लिखा हुआ है साक्ष्य की तरह काम करते हैं, तो साक्ष्य लिख दो चाहे कानून लिख दो, एक ही बात है, के लिए कानून की तरह कार्य करते हैं। एक तो अभिलेख न्यायालय का अर्थ हो गया। दूसरा अभिलेख न्यायालय का अर्थ होता है सर्वोच्च न्यायालय अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है। अवमानना का मतलब होता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कोई आदेश दिया और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को किसी ने नहीं माना, अवमानना का मतलब नहीं माना, मतलब उस आज्ञा का पालन नहीं किया, तो सर्वोच्च न्यायालय जिस व्यक्ति ने उसके आदेश को नहीं माना उस व्यक्ति को दंड दे सकता है। तो दूसरा क्या अर्थ हो गया? सर्वोच्च न्यायालय अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है, अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है।
ये सर्वोच्च न्यायालय की कौन सी शक्ति हो गई? अभिलेख न्यायालय की शक्ति। सात शक्तियां की चर्चा करेंगे पर दो छोटी छोटी शक्ति हो रहे हैं। छठवीं है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। अगला सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कौन सा हो गया? मौलिक अधिकारों का रक्षक। देखो यदि हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, अभी पहले भी मैंने आपको बताया था कि संविधान ने हमें वर्तमान में छह मूल अधिकार दे रखे हैं, छह मौलिक अधिकार दे रखे हैं। यदि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हमें शिकायत किसके पास कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के पास कर सकते हैं। फिर सर्वोच्च न्यायालय हमारे मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि रक्षक कौन है मौलिक अधिकारों का? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय हमारे मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए पांच प्रकार की रिट जारी कर सकता है। रिट देखो न्यायालय की भाषा में कहते हैं, आदेश को ही न्यायपालिका की भाषा में क्या कहते हैं? रिट कहते हैं। तो इसमें देखना, सर्वोच्च न्यायालय हमारे मूल अधिकारों, हमारे मतलब अपने आम जनता या नागरिकों के मूल अधिकारों, हमारे मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? न्यायपालिका की, सर्वोच्च न्यायालय की। सुरक्षा के लिए पांच प्रकार की रिट, रिट का मतलब क्या होता है? आदेश, मतलब पांच प्रकार के आदेश जारी कर सकता है। आदेश को ही न्यायालय की भाषा में क्या कहते हैं? रिट कहते हैं। पांच प्रकार की रिट जारी कर सकता है। अब ये बताओ पांच प्रकार की रिट तुम्हें रटनी पड़ेंगी, इसका अर्थ तो क्या है कि ज्यादा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तुम्हें फिर कभी मौका मिले तो इसका अर्थ बता देंगे। अभी वो पांच प्रकार ध्यान रखना आप, कौन कौन सी रिट जारी करता है? एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, अगली परमादेश, अगली प्रतिषेध, अगली उत्प्रेषण लेख लिखते लेते हैं पर पहले उत्प्रेषण लेख, अगली अधिकार परीक्षा। कितने प्रकार की रिट हो गई? पांच प्रकार की रिट हो गई। ये पांच प्रकार की रिट सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। क्यों जारी करता है? हमारे मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण लेख और पांचवें अधिकार परीक्षा। तो ये सर्वोच्च न्यायालय का छठवां क्षेत्राधिकार हो गया। अंतिम क्षेत्राधिकार है संविधान का संरक्षण, कि भाई संविधान जैसे हमारे मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है सर्वोच्च न्यायालय, वैसे ही संविधान की सुरक्षा भी कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय की अंतिम शक्ति है संविधान का संरक्षण, जिसे न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति भी कह सकते हैं। चाहे तो आप संविधान का संरक्षण हेडिंग डाल लेना, चाहे डाल लेना न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति। देखो कैसे संविधान का संरक्षण करता है। देखो भारत में जो कानून बनाती है, या तो संसद बनाएगी कानून, कौन बनाएगी? संसद, जो पूरे देश की एक होती है, या फिर प्रत्येक राज्य में होता है विधानमंडल, तो राज्य के लिए कानून बनाएगा राज्य का विधानमंडल, और पूरे देश के लिए कानून बनाएगी पूरे देश की संसद। तो संसद या राज्य का विधानमंडल कोई ऐसा कानून बनाता है जो संविधान के खिलाफ हो, तो उस कानून को सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है, मतलब उस कानून को सर्वोच्च न्यायालय रद्द कर सकता है, क्योंकि कानून किसके खिलाफ है? संविधान के खिलाफ है, और संविधान का संरक्षण कौन कर रहा है? सर्वोच्च न्यायालय। इसमें आप लिखोगे यदि संसद या राज्य विधानमंडल, यदि संसद या राज्य विधानमंडल कोई ऐसा कानून बनाता है, कोई ऐसा कानून बनाता है जो संविधान के खिलाफ हो, जो संविधान के खिलाफ है,
तो सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है? इस कानून को अवैध घोषित कर सकता है। इस कानून को अवैध घोषित कर सकता है। अवैध घोषित करने का मतलब हो गया उस कानून को समाप्त कर दिया। तो उस कानून को अवैध घोषित कर दिया मतलब किसकी सुरक्षा कर ली? सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की सुरक्षा कर ली। ये हो गया अपना सर्वोच्च न्यायालय का संरक्षण। बड़ा प्रश्न था लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। इस लेसन के देखो अपन ने कुल मिलाकर कितने प्रश्नों की चर्चा हो गई? 7 प्रश्नों की चर्चा हो गई। क्यों? सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है एक तो ये, जो बोर्ड परीक्षा में हर एक साल छोड़कर अगली साल क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। एक इसके अलावा जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था वो था राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। ये 3 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि 3 क्वेश्चन याद करने पे मान लो बोर्ड परीक्षा में आपके 7 नंबर कंफर्म। समझ गए बात? तो 6वें लेसन की अपनी चर्चा कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे 8वें लेसन की। तब तक आप इसको याद करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।